हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई सीरीज जो चल रही है हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसका आज पार्ट टू लेकर इन द सली सिविलाइजेशन के बारे में आज पढ़ाऊंगा। और ऐसे नहीं कि ये वीडियो आपको पता है हमारा चैनल, एक पेन और कॉपी लेकर आप जल्दी से आ जाएँ तैयार होकर और हम इसको आज अचीव करते हैं। सो लेट्स अचीव इट। पहली स्लाइड में देखिए मैंने इसी लगाई है क्योंकि इतना तक मैं आपको पढ़ा चुका था। मैंने ये पहिए तक आपको बता दिया था कि देखिए ये पहिया है, ये आपको पिछले एरा तक, पिछले टाइम तक आपको मिल चुका था। ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया था कि ह्यूमन से लेके यहाँ तक पहिए तक का टाइम। अब पहिया मिला था आपको 3500 ईयर पहले, मतलब 3500 ईयर्स है वो आपको पहिया मिल चुका था। अब पहिए के बाद में आपको क्या हुआ है, अब हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन 2800 साल पहले, यानी कि पहिया मिलने के 700 साल बाद। मैंने बताया था यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया था, पूरे में ही मॉडर्नाइजेशन रहा था यहाँ तक, और ये थोड़ी सी एक्सट्रीम फेस आया था। उसके बाद में यहाँ आ जाके और ज़्यादा एक्सट्रीम फेसिस का आया है और ज़्यादा हम लोग विकसित हुए थे। अब चलते हैं आगे वाली साइड पे। अब पढ़ाता हूँ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों हुई, कैसे हुई और क्या हुआ, ठीक है। अगली स्लाइड कहती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए थे, देखिए आपको मैंने बताया था कि मेसोलिथिक एरा में एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि एग्रीकल्चर होना तब शुरू हो गया था। उसके बाद में क्या हुई, ट्रेडिंग होगी क्योंकि एग्रीकल्चर होगा तो ट्रेडिंग होना अनिवार्य है। आपके पास आप इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर लोगे कि आपको किसी और को खिलाने भेजना ही पड़ेगा ताकि आपका खर्चा निकले। आज भी यही होता है और पहले यही होता था। ट्रेडिंग हुई, ट्रेडिंग के बाद में क्या हुआ, पैसा मिलना शुरू हुआ, लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया। और जब पैसा होगा आपके पास में तो आप अगर किसी झोपड़ी में रहते हैं तो आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करेंगे, पहले एक अच्छा सा मकान बनाएंगे जिससे कि सर के ऊपर छत होगी। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे मकानों से मोहल्ला बनेगा और उन मोहल्लों से बनेगा एक शहर। तो इस तरह से जो बड़े शहर बनना उस समय शुरू हो गए। तो ये थी अब तक की कहानी जिसकी वजह से हड़प्पन की जो सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली की सिविलाइजेशन है, उसने अपना फैलाव लिया होगा। अब दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा एरा था एक्चुअली। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ और ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसको हम कहते हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। कितना बड़ा एरिया है, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ दिखाया सिर्फ यही, ये भी पूरा का पूरा जो इलाका है ये भी इसी के अंदर आता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी है पर इसके जो एविडेंसेस है वो मिले हैं, ठीक है। अब बताता हूँ आपको कि जिंदगी कैसी थी। अगर मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2800 से 2800 बिफोर कॉमन एरा, आज से 2800 यानी कि 1800 बिफोर कॉमन एरा, आज का जो एरा है वो कॉमन एरा है और आज से पहले वाला जो एरा था वो बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी की इसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपके दिमाग में थोड़े से अगली वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, आपको यह मॉडर्न्स वगैरह पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं अभी इसको देखते हैं तो तब लाइफ कैसी थी। तो लाइफ यहाँ पर थी दो तरह की थी, एक थी अर्बन और एक थी रूरल। वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है जो हमें चीज़ें मिली हैं उसके हिसाब से। जैसे कि अर्बन में क्या था कि हमें रेक्टेंगुलर सील मिली थी, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो सील होती है हमें वो मिली थी। उसके बाद में क्या मिला था, हमें टेराकोटा के मिले थे टॉयज, टेराकोटा टॉयज यानी मिट्टी के खिलौने। कॉपर मिला था, सिल्वर मिला था, गोल्ड मिला था, ब्रॉन्ज मिला था, ये सभी चीज़ें हमें मिली थी। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे अब शहर में ही होगी ना सोनार की दुकान, ऑब्वियसली बात है गाँव में तो बड़ी कम होती है, या फिर फैक्ट्री या फिर जो लोग पहनते हैं अक्सर वो शहरों में ही पाया जाता है, ठीक है। और ये भी ऐसा था कि एक जगह थे एक जगह बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने अंदाजा लगाया। उसके बाद में थे वेट्स, एक चर्ट नाम का पत्थर होता है उसके वेट थे। बीट थी कार्निलियन, ये भी पत्थर लाल कलर का पत्थर होता है कार्निलियन, उसके हम लोगों को ब्लेड मिले थे। और उसके बाद में आते हैं ब्लेड ऑफ स्टोन, लड़ाई वड़ाई के लिए हथियार के तौर पर उन्होंने अब भी ब्लेड ऑफ स्टोन का इस्तेमाल करना रखा था। उसके बाद में आता है पॉटरी विद ब्लैक डिजाइन, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए ये है पॉटरी विद ब्लैक डिजाइन, ठीक है। और स्पिंडल कहते हैं जैसे ऊन का या किसी चीज़ का, देखिए इस तरह के ये चीज़ें होती हैं, इसको बोलते हैं स्पिंडल, जिस पर हम लपेट देते हैं ऊन के धागों के या किसी भी धागे को जब हम लपेट देते हैं उसको बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। तो वो मिले थे हमें किन किन चीज़ों के, कॉटन के जो धागे होते थे उनके और फैंस के। और ये कुछ चीज़ें मिली थी, ये जो पत्थर थे इन पर निशान थे, जो कपड़ा है उस पर कैसी कारीगरी होनी चाहिए उस चीज़ का हमें ये निशान मिले हुए थे यहाँ पे, ठीक है। शहरों की बात कर ले रहा हूँ तो देखिए ये पूरा का पूरा मान लीजिए एक शहर है और इसके अंदर एक बड़ी पार्टीशन थी, वो क्या, ये दीवार। इस दीवार के अंदर ये था सीटाडेल, ये जो इलाका है वो सीटाडेल है और ये जो है वो पूरी की पूरी सिटी है। ये थोड़ा सा ऊंचा होता था हायर क्योंकि सीटाडेल किला है वो एक तरह सा, और ये थी बाकी का शहर। और देखिए पूरा का पूरा ये चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से आपको दिखेगा कि बंद है, ठीक है, बैरिकेटेड है।
अब बात करता हूँ मैं जो गांव की जिंदगी थी, रूरल लाइफ थी, वो कैसी थी। तो एग्रीकल्चर करते थे वो, जैसे कि आज करते हैं गांव में, पीस, राइस, वीट, इसके हमें एविडेंसेस मिले हैं। उसके बाद में वुडन प्लोस मिले हमें, ये मिला हुआ है देखिए वुडन प्लो। उसके बाद मिला है हमें इरीगेशन के लिए कैनल्स, जो कि शुरू हुई है, जो जगह शुरू हुई यहाँ पर हमें कैनल्स मिली हैं। और रिजर्वायर जो डोलावीरा जगह है, ये रहा, इस जगह हमको रिजर्वायर मिले हैं, ठीक है। अब कैटल्स आपको बताइए, वही जो हमारे गाय, भैंस, बकरी, गाय नहीं थी उस समय, ठीक है, भैंस थी, बकरी थी, शीप थी, और भी जो जो कैटल थे उन्होंने, अभी आगे वाली साइड में बताऊंगा, वो सभी उन्होंने पाले थे। उसके बाद में जो मछलियाँ थी वो पकड़ते थे वो लोग, हंटिंग करते थे, हंटिंग के ये मिले हैं देखिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि उन्होंने घड़ियाल पाला नहीं होगा, हंटिंग की होगी। देखिए इसका पता चलता है हमें उसके दांतों से। अगर उसके दांत वैसे हैं जैसे कि किसी जंगली जानवर का होता है, अब मान लीजिए आप जंगल से या कोई भी पालतू, हम अब कुत्ता है, कुत्ता दो तरह के होते हैं, एक जंगली होगा और एक होता है हम जो घर में पालते हैं, ये ऐसी सुअर का हिसाब होता है, ऐसे जो हम बैल जो हमारे सांड होते हैं उनका भी हिसाब होता है, क्योंकि जो घर में रहेगा उसको हम जो खिलाएंगे वो खा लेगा आराम से, ठीक है। तो उसको कोई मेहनत करनी होती नहीं है, सेम उसी तरह से उसका जो शरीर होता है, उसके शरीर की बनावट होती है वो चेंज करती है। तो इनके जो दांत होते हैं ना, इन सभी के दांत थे, उसके हिसाब से हमने अंदाजा लगाया कि ये लोग पालतू नहीं थे। और बाकी के जो जानवर थे जैसे कि भैंस हो गई और शीप हो गई, गोट हो गई, ठीक है, उन सबके दांत और अलग तरह से थे। बाकी जो जंगली थे उस समय भी, वो जो उनकी जो जंगली प्रजातियां थी उनके दांत अलग तरह के थे, ठीक है। तो हम उसी तरह से हमेशा पता करते हैं। अब चलते हैं आगे वाली साइड पर, लाइफस्टाइल के बारे में बात करता हूँ। पिछली वाली साइड में जिंदगी के बारे में बात की थी, अब मैं बात करता हूँ लाइफस्टाइल के बारे में। देखिए मैंने बताया था कि प्लांट सिटी थी और जो हाउस थे वो इस तरह से बने हुए थे। ये मान लीजिए मेन सड़क है और ये एक स्ट्रीट, इसका दरवाजा देखिए यहाँ से है, इधर ये कुआ है, जो भी किसी को पानी पीना है वो किसी भी कमरे को, ये कमरा है, 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 ये कमरा, पानी का ये रहा सिस्टम, ठीक है, और किचन भी यही है। किसी को खाना है, किसी को लेना है, तो किसी को भी बिना डिस्टर्ब किए पूरे में आ जा सकता है, ठीक है। आपको फ्रेश एयर मिलेगी, खिड़कियों का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं था। यहाँ से आपको कोर्टयार्ड था, ये बीच में जैसे हम आपने पुराने घरों में देखा भी हो तो आंगन होते हैं, तो उसी तरह का एक आंगन होता था फ्रेश हवा के लिए, पूरे घर में आपको एक तरह से फ्रेश हवा मिलती रहेगी, ठीक है। और खिड़कियाँ नहीं थी लेकिन ऐसा एक वेंटिलेशन जैसा कह सकते हैं कि ऐसा रहा होगा, ठीक है, बहुत पीछे वाले मकानों के लिए कह रहा हूँ मैं, पीछे वाले कमरों के लिए सॉरी। और जो आगे वाले थे उनके लिए तो आपको बताइए अच्छा खासा वेंटिलेशन वो देते हैं, लेकिन खिड़कियाँ नहीं थी उस समय पे, ठीक है। उसके बाद में आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा था। पहली बात तो बेक्ड ब्रिक्स उन्होंने यूज़ की थी, ग्रेट बात हम लोगों को मिलाई है, प्लांट सिटी थी उसके जरिए हमें मिला है कि जो हमारा कल्चर है और उसमें से भी क्या होता है कि ऐसे ओकेजन होते हैं कि हमें सामूहिक बात लेना पड़ता है। कुंभ है, आज भी हमारे पास कुंभ होता है, कभी अभी छठ पूजा निकल के गई है, तो उन जैसी चीज़ों के लिए हमने क्या बनाया था, ग्रेट बाथ। तो उसी के लिए उन लोगों ने क्या बनाया था, ग्रेट बाथ जैसी चीज़ें बनाई थी उस ज़माने में। और अब क्या है कि फायर ऑल्टर्स मिले हमें, मैं बताऊंगा किस जगह मिले हैं, ड्रेन्स और स्ट्रीट। अब ये ड्रेन्स और स्ट्रीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज भी कई जगह क्या होता है कि सड़कें बना दी जाती हैं, उसके बाद में खोद के वहाँ पे पाइपलाइन डालेंगे या फिर उसके बाद में नाली बनाते हैं, तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि पानी का जो सही वो हो ही नहीं पाता, निकास पानी ढंग से निकल ही नहीं पाता। इन लोगों ने सड़कें बनाई थी, वो देखिए वो सड़कें बनाई थी सीधी, और जो नालियाँ बनाई थी वो इस तरह बनाई थी स्लोप में, तो जो पानी था मैं मान ली यहाँ से पानी डालूंगा तो पूरा का पूरा पानी बह के यहाँ बाहर आ जाएगा और सड़क भी बिल्कुल गीली नहीं होगी, यानी कि जो नालियाँ थी वो सड़क के साथ ही बनाई थी, तो इतना ज़्यादा प्लांट इनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। उसके बाद आती है ट्रेड की बात, तो ट्रेड देखिए रो मटेरियल मिले हमें राजस्थान और ओमान से आते थे, उसके बाद मिली है टीन जो अफगानिस्तान और ईरान से आती थी, गोल्ड मिला है जो कर्नाटक से, आज भी वहीं से आता है हमारे देश में, तो और प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं जो कि गुजरात अफगानिस्तान से आते थे, ठीक है, इन दो जगह से आते थे। अब उसके बाद आती है शीप के बाद, तो एक ऐसा मेसोपोटामिया में सील हड़प्पा की थी, लेकिन ये मेसोपोटामिया में मिली है, और ये कैसी थी देख लीजिए, आपको इस पर एक साफ तौर पे एक नाव का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये नाव का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो इससे मतलब कह सकते हैं कि सामान्य शिप रही होंगी, ठीक है, अंदाजा ला सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। और इजिप्शियन जो थे वो भी हमारी टाइम में थे, देखिए ये मेसोपोटामियन था वो सबसे पहले थे, ठीक है, जो जिन लोगों ने सिविलाइजेशन शुरू की थी 5000 BCE में कर दी थी इन लोगों ने, 3500 BCE तक आया था, ठीक है, ये रही होगी, उसके बाद में ही रही थी, मतलब जो इसका पीक टाइम था वो ये बताया जाता है। उसके बाद में इजिप्शियंस थे वो भी 3000 BCE में रहे थे, ठीक है, 3000 BCE में रहे थे, तो ये भी ये मेसोपोटामिया और इजिप्शियंस हमारे सेम टाइम के कह सकते हैं, हमारे जो समकालीन थे, ठीक। उसके बाद में आती है सोशल क्लास की बात में, तो वॉज प्रेजेंट, क्यों प्रेजेंट था ये, कि प्रेस्ट किंग
या तो प्रेस्ट किंग कह सकते हैं कि एक प्रेस्ट किंग रहा होगा, या फिर कह सकते हैं कि कोई हेड नहीं था और मैं नहीं थे। प्रेस्ट किंग क्यों कह सकते हैं, मान लीजिए एक जगह का और एक ही यह रहा हो पूरे के पूरे सिविलाइजेशन का, मान लीजिए एक रहा हो, या फिर और नो हेड और मैनी हेड क्यों कह सकते हैं, मान लीजिए ये भी कल्चर बिल्कुल ना रहा हो, सिर्फ ये कल्चर रहा हो कि जितने प्रांत हैं उनका एक एक हेड होगा, ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट फैसले होंगे सभी मिलके लेंगे। तो ये ही दो बातें सिर्फ कही जा सकती हैं जो कि इनके, अगर मैं प्रधानमंत्री या ऐसी किसी पोस्ट के बारे में बात करूँ तो, ठीक है, और कोई यहाँ पे एविडेंस ऐसा नहीं मिला है। उसके बाद में आती है कि और कैसे हम कह सकते हैं कि कोई अमीर था या गरीब था, तो वो पता चलता है उनकी कब्रों से, जो कब्र थी यहाँ पे बरियल थे उनके, जो जहाँ पे गाड़े आते थे मरने के बाद में, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली जैसे कि ये कॉपर का मिरर है, ऑर्नामेंट्स मिलते थे हमें। अब जहाँ पे मान लीजिए किसी में कुछ नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली बात है गरीब, उसके साथ में रखा ही नहीं गया है, लेकिन जो कबर वैसी हैं अमीरों की हैं उसके अंदर चीज़ें मिली हैं, प्रेशियस चीज़ें उसके अंदर मिली हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कुछ लोग अमीर थे कुछ लोग उस समय गरीब थे। वही आ जाए आज भी। अब चलते हैं आगे ओवरव्यू में, मैं आपको दिखाता हूँ अब अगली वाली साइड से मैं शहरों की शुरुआत करूँगा, तो उससे पहले आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी और किस किस कैटेगरी में हमको फाइंडिंग्स मिली है। तो एनिमल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए शिप मिली है, गोट मिली है, हम्पड एंड हम्पलेस बुल, दोनों तरह के बुल देखिए आपको इसमें दिखाऊंगा, ये हम्प वाला है ये हम्पलेस है, ठीक है। उसके बाद में बफेलो, टॉर्टोइस, पिग, बोर, डॉग, कैट, डियर, एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस एंड टाइगर, ठीक है, ये सब जानवर थे उस समय। काओ एंड लॉइन का उस समय हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है, यानी गाय माता का हमें कोई उस समय एविडेंस नहीं मिला है हमें, ठीक है, इन द सिविलाइजेशन में। उसके बाद में द रिमेन्स ऑफ राइनोसोरस वर ट्रेस्ड इन अमारी, एक अमारी करके जगह वहाँ पर मिले थे ये राइनोसोरस के। अब बात करते हैं वर्शिपिंग मेथड, तो ऐसा कोई मंदिर वगैरह नहीं मिला हमें, ठीक है, हाँ लेकिन कुछ फिगर मिले जैसे पीपल है, बुल है और डव या पीजन जिसको कहते हैं कबूतर, तो उनकी हो सकता है उस टाइम पे पूजा की जाती हो। उसके बाद में एक मदर गॉडेस हियरिंग, इनकी ऐसी प्रतिमा मिली है, ये भी मिली थी हमें आपके हड़प्पा में, और जो पशुपतिनाथ जी की सील थी ये भी हमें हड़प्पा मिली थी, दोनों ही चीज़ें हमें कहाँ मिली थी, हड़प्पा में मिले थे, ठीक है। और ये जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में ही दिखाया था प्रेस्ट किंग, ये मैं आपको पीछे जाकर दिखा दे रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी, बहुत जगह देखी होगी, ये प्रेस्ट किंग कहा जाता था और ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी जगह थी उस टाइम की, सबसे बड़ी जगह उस जगह मिली थी, ठीक है, उसी वाली साइड पे वापस आ जाता हूँ। तो अब देखते हैं मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, तो कुछ नहीं, ये जो मैंने डायरेक्शन के लिए आपको बता दिया है, और ये जो नॉर्थ साउथ करके इस तरह से वो डेड बॉडी को करते थे, ठीक है, नॉर्थ में सर और साउथ में वो, इसी ओरिएंटेशन में वो लोग अपना जो होता था डिस्पोजल ऑफ द बॉडी वो करते थे, ठीक है। अब आती है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, तो वो लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में काम करते थे, वो भी कैसे लिखी जाती थी, लेफ्ट से राइट की तौर में, जैसे हम आज लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म होती थी। अब बात करते हैं कि सबसे बड़े रूम कहाँ पे मिले थे, भगवानपुर जगह है हरियाणा में, वहाँ पे एक 13 कमरों का एक घर मिला है, सबसे बड़ा हाउस है वो, ठीक है। अब कैपिटल सिटी हड़प्पा मोहनजोदड़ो कैपिटल सिटी कही जाती थी उस समय की, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं। और प्रोविंशियल कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो वो कालीबंगा है। और लार्जेस्ट साइट कौन सी है, तो मोहनजोदड़ो है, लेकिन लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया, क्योंकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पहुंच गया है, तो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडिया क्या होगी, वो होगी राखीगढ़ी, ये कहाँ, ये भी हरियाणा में हिसार के पास है। अब पोर्ट सिटीज ऑफ आईबीसी, लोथल, सुटका जेंडा, अलहदीनो एंड बालाकोट एंड कोटांसी, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं सिंबल कौन से मिले थे हमें, स्वास्तिक सिंबल मिला था, और ये स्वास्तिक सिंबल आप सोच रहे होंगे कि किसी इंडिया के या तो उसका म्यूजियम का नहीं, ये स्वास्तिक उठा के ले गए थे आपके अंग्रेज, उन लोगों ने अपने म्यूजियम में रख लिए हैं, ये दो सील हैं, ठीक है, और ये स्वास्तिक वो लोगों ने अपने ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी रखे हुए हैं ये, ठीक है। गेम्स कौन से खेले जाते, बोर्ड गेम खेले जाते, डाइस मिली है क्योंकि हमें, और कॉक फाइटिंग, क्योंकि कॉक फाइटिंग तो ऑब्वियसली बातें की जा सकती है, कभी भी उसके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता है हमें कि उस समय कॉक होते थे और बस अच्छी बात है, उससे हम कह सकते हैं कॉक फाइटिंग होती थी। और दूसरी बात यह है कि गेम ऑफ डाइस, डाइस का गेम होता था। ये राखीगढ़ी की साइट है, आपको दिख रहा होगा, और ये सारे के सारे जो जानवर हैं उनके लिए मैंने बनाई थी, देखिए जानवर की इंपॉर्टेंस थी उनकी ज़िंदगी में, और जो पूजा पाठ थी, तो हो सकता है कि ये जो है ये भाषा हो कि जो उसने माल भेजा है, मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था कि जो अगर सील टूटी हुई है किसी भी चीज़ की, इसका मतलब जो माल है जो हमने सामान भेजा है वो डिस्टर्ब्ड है, वो अनडिस्टर्ब नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं है, नेचुरल नहीं है जैसा कि हमने भेजा था, ठीक है। तो हो सकता है ये उसी का डिस्क्रिप्शन होता हो और ये साइन होता हो ओनर का या फिर किसी जगह का जहाँ से वो प्रोडक्ट होके आया है, तो ऐसी चीज़ें कही जाती हैं हिस्टोरियंस द्वारा। अच्छा, हमारे कंटेम्प्ररी तीन चीज़ें थी, मैंने पिछले बार में दो बताई थी, एक और इसमें आपको मिल गया, क्या, चाइना, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर।
अब फेमस सिटीज़, लोकेशन एंड फाइंडिंग्स की बात करूंगा मैं, क्या क्या कौन सी जगह मिला और किसने फाइंड किया किस जगह को, सबके बारे में बात करूंगा धीरे धीरे। हड़प्पा की बात करता हूँ, 1920 में हुआ था, सबसे पहले इसी को फाइंड किया गया था दयाराम साहनी जी ने, और यहाँ पर 2 रो मिली थी 6 गिनने की, 2 रोज ऐसे ऐसे करके, सॉरी कॉलम हो जाएगा, ऐसे करके मिली थी, ठीक है, 2 रोज और यहाँ 6 थी गिनती, ठीक है, 2 रोज 6 गिनती। और वर्किंग फ्लोर्स यहाँ पे जहाँ पे लोग काम करते थे वैसे फ्लो मिले हैं। उसके बाद मिली है मदर गॉडेस, जो मैंने आपको पिछली वाली उसमें दिखाई थी मदर गॉडेस की मूर्ति, पशुपतिनाथ की सीधी यहीं पर मिली थी, ऐसा मैंने आपको बताया था, बैरक्स और डाइस भी यहीं पर मिले थे। बैरक कहते हैं यहाँ पे लोग रुका करते हैं, ठीक है, काम करने वाले, और ऑब्वियसली बात है वर्किंग फ्लोर यहाँ तो बैरक भी यहीं होगा। और डाइस मिली है हमें, जैसे मैं बताया था आपको बोर्ड गेम्स के लिए आते हैं, उसके लिए डाइस की बात होती है, सांप सीढ़ी लूडो वगैरह सब के लिए। अब बात आती है मोहनजोदारो, लार्जेस्ट साइट है ये, आरडी बनर्जी द्वारा फाइंड की गई थी, ठीक है जी, आरडी बनर्जी ने इसको फाइंड किया था। और ग्रेट बात सब जाता है, देखिए सबसे बड़ी साइट है, ऑब्वियसली बात है बड़ी बड़ी, अब राजस्थान आप जाएंगे तो आपको छोटे घर बहुत कम मिलेंगे और बड़े बड़े घर मिलेंगे, क्यों, कुछ एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैसे ही आज यहाँ पे मोहनजोदड़ो का था, एक तो कैपिटल थी, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इंपोर्टेंट लोग रहते थे और बड़ा एरिया, तो सब कुछ यहाँ बड़ा है, ग्रेट बात है, ग्रेट ट्रेनरी है, असेंबली हॉल है, और जो ईंटों का भट्टा वो यहीं पे है, तो ईंटों का भट्टा भी यहीं पे है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट साइट रही होगी क्योंकि वहीं से ज़्यादातर मान लो कि ईंटें आती होंगी। न्यूड गर्ल डांसिंग, ये रही ये डांसर थी, उसकी ये मूर्ति मिली है किसकी, ब्रॉन्ज की, ठीक है, आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि ब्रॉन्ज कैसे कैसे बनता है। अब बात आती है चनूदारो, 1931 एनजी मजूमदार जी ने इसको फाइंड किया था, और ये सिर्फ एकमात्र साइट है इसकी जहाँ पे सीटाडेल नहीं मिलता आपको, आपको सीटाडेल यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो किले की बात कर रहा था कि जो 2 चीज़ें होती थी, एक जगह किला होता था बाकी पूरा शहर अलग होता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है इंकपॉट की बात, लिपस्टिक की बात, तो यहीं पर मिलेगा, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ड यहाँ मिलेगा, ब्रॉन्ज कार्ड आपको यहाँ मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ पे जो है काम ज़्यादा होता हो तो सीटाडेल की जरूरत नहीं समझा हो, सिर्फ काम के लिए जगह यूज़ की जाती हो चनूदारो, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि सिर्फ अंदा ही लगाए गए हैं अभी तक। अब चलते हैं आगे, अब अगली हमारी जो साइट है वो है कालीबंगन, और कालीबंगन में क्या हुआ है, पहली बात तो ये देख लो कब फाइंड हुई थी, 1952 में फाइंड हुई थी, ठीक, और किसने की थी, हमलानंद घोष जी ने फाइंड की थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि जो प्लोड फील्ड सर्विस है, आप ये देखो ये खेत है जोता हुआ, और ये भी ऐसे नहीं जोता, ये ऐसे जोता हुआ है सर, ये ऐसे जोता हुआ है, और ग्रिड में एकदम 90 डिग्री पर, एकदम 90 डिग्री पर। कारण क्या है कि आप इस पर एक फसल कर सकते हैं, इस पर एक फसल कर सकते हैं, इस पर एक फसल कर सकते हैं, और इन वालों पर अलग अलग, इन पर अलग फसल कर सकते हैं, तो आप 2 तरह की फसल साइमल्टेनियसली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। तो उस जमाने में देख लीजिए किस सोच कितनी ज़्यादा आ गई थी, ऐसा नहीं है कि आज ही हमारे सब साइंटिस्ट ने फाउंड किया है। उसके बाद में आते हैं हमारे मेसोपोटामिया के सिलिंड्रिकल सील, जो अगर मैं कह रहा हूँ कि मेसोपोटामिया से और अलग जगह से ट्रेड होता है, उसके साक्ष्य ये हैं कि मान लीजिए उनकी कुछ चीज़ें हमारे यहाँ बनी हैं, हमारी कुछ चीज़ें उनके यहाँ मिली हैं मेसोपोटामिया में, ठीक है, जैसे वहाँ पे हमारी सील मिली है और वहाँ पे हमारे कुछ जार मिले हैं, और वहाँ की जो सील्स हैं वो यहाँ पे मिली हैं, जैसे कि है सिलिंड्रिकल सील, ठीक है। उसके बाद 7 फायर ऑल्टर्स, 7 फायर मतलब भट्टियाँ बोलते हैं ऑल्टर्स को हिंदी में, वो भट्टियाँ यहाँ पे मिली हैं। उसके बाद में आती है लोथल की बात, तो लोथल 1957 में फाइंड हुआ था, एस आर राय ने इसको फाइंड किया था। उसके बाद में साबरमती पे हुआ था ये, और गॉट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड और सेमी प्रेशियस स्टोन। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड के बारे में पहले बात करते हैं, देखिए ये होता है आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, अब समुद्र से मैं सीधे से जहाज तो नहीं लेके आ सकता, अब जहाज मान लो मैं यहाँ पर रख भी दूंगा, लहर आई ऊंची और ये तो पूरी जहाज को ले जाएगी ना, या फिर और वहाँ पर काम भी आसानी से नहीं कर सकते हम उसमें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक डॉकयार्ड बनाया जाता है, जैसे यहाँ का पानी मैं लेके ये यहाँ का पानी लाया और ये मैंने इसमें भर दिया, ये पूरे में मैंने यहाँ पर पानी भर दिया ये, ठीक है, अब मैं यहाँ से लेके आऊँगा अपना जहाज और उसमें आराम से अपना सामान उतार के उसको वापस छोड़ दूंगा कहाँ समुद्र में, ठीक है, तो ये वापस कहीं और चढ़ाएगा जहाँ इसको जाना है। ऐसी तकनीक आज भी हम इस्तेमाल करते हैं और वो आज से इतने साल पहले भी इस्तेमाल होती थी, ये आपको पता ही है कब की बात है, ये 2800 से 1800 BCE की बात है ये, ठीक है, उस ज़माने में यही तकनीक इस्तेमाल होती थी, जो तकनीक आप आज यूज़ कर रहे हैं डॉकयार्ड के लिए, वही तकनीक वही लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आप सोच देखिए वो कितने आगे रहे होंगे, यहाँ पे हम सोचते होंगे कितने साल पहले क्या है कि सिर्फ बेड़गा चलाए जाते होंगे, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांस थे। बात आती है कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है पहली बात लोथल को, ठीक है, और स्टोन शेल और मेटल यहाँ पे मिले हैं, सील मिली है, सीलिंग मिली है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इतना डॉकयार्ड है तो मिलना लाजमी है, और स्टोर हाउस मिला है यहाँ पे, और ये एकमात्र प्लेस है यहाँ पे आपको पता चलता है कि यहाँ पे राइस उगाया जाता था इस ज़माने में भी, ठीक है, तो एकमात्र ऐसा प्लेस है उस समय का यहाँ पे आपको राइस के एविडेंसेस मिले हैं। अब आ जाती है सुरकोटोड़ा,
सुकटाड़ा सॉरी, ये फाइंड हुआ था 1964 में, जगतपति जोशी ने किया था। और यहाँ पे हमें क्या मिला, बोन्स मिले हैं हॉर्सेस के। अच्छा, बोन्स का एक कनेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे जो है साउथ ईस्ट एशिया है, और यहाँ पे आपके लिए आते हैं ये मान लीजिए ये रसल कटोरा, ठीक है ये। अब यहाँ से कोई शेप में कोई चीज़ आएगी, आपको पता होगा कि जो अरब के घोड़े होते हैं, अरब के घोड़े बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। कारण क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं, तो उनको हम लोग तब भी इम्पोर्ट करते थे और आज भी इम्पोर्ट करते हैं। और उनको इम्पोर्ट करने के लिए ये जो जगह, हो सकता है कि ये सेकंड पोर्ट रही हो, क्यों लिखा हुआ देखिए मेरी अनदर पोर्ट सिटी, और यहाँ पे उनका जो पूरे उसमें यूज़ करने के लिए घोड़े किया किए जाते हैं। हालांकि जो बाकी जगह है वहाँ पे घोड़े के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। यूपीएससी के मेरे लगता है शायद 2017 वाले पेपर में इसका एक वो आया था, और उसका आंसर यही वाला गलत था कि क्या होता वो घोड़े हुआ करते थे, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ उनकी बोन्स मिली हैं कि वो लोग यूज़ करते थे घोड़े लड़ाई में या नहीं, क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ढोलावीरा की बात करते हैं, 1967 में ये फाइंड हुई थी ढोलावीरा नाम की जगह। जगतपति जोशी ने वे इसको ही फाइंड किया था, और फ्रेश वाटर फर्टाइल लैंड, इसकी दो खासियतें हैं, डिवाइडेड इन द थ्री पार्ट्स, बाकी सब तो दो में होती थी, तीन पार्ट में हुई है। और पहली बात तो देखिए ये, मैं इसको बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और इसमें भी क्या है कि गेटवेज बने हुए हैं चारों तरफ, ये गेटवे, ये गेटवे, ये गेटवे है, और ये गेटवे, ये चारों चारों इसके जब गेटवे बने हुए हैं, यहीं से इंसान आएगा और निकलेगा, बाकी पूरे पे क्या है बैरिकेडिंग है चारों तरफ, तो इसकी बड़े बड़े स्टोन की मैसिव स्टोन पार्ट्स, ठीक है। बात आती है लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, यहाँ पे मिले हैं आपको, ये रे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इस तरह के आपको लार्ज लेटर मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, और ये मिस्टीरियस हैं, आज तक किसी को नहीं पता कि इनका ना है क्या, ठीक है। बस ये है कि हमें मिले हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस ये हमें मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस समय स्क्रिप्ट कोई ना कोई तो थी, इसका मतलब उन लोगों ने संदेश लिखने में उसका इस्तेमाल किया है, और ये उसका रिजर्वायर, एक कुएं ऐसी चीज़ है जिसको हम रिजर्वायर कह सकते हैं। अब बात आती है, मैंने आपको बताया भी था, मैं बात कर रहा था प्लोइंग की, तो मैंने बताया था कि रिजर्वायर थे, तो ये वो रिजर्वायर, ठीक है। और ऐसे जो रिजर्वायर थे उनका मोहनजोदड़ो में भी इस्तेमाल होता था, ठीक है, मोहनजोदड़ो में जैसे ये ग्रेट बात था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक और बार, मोहनजोदड़ो का ये था ग्रेट बात, ये ग्रेट बात है। तो ये देखिए स्विमिंग पूल जैसा होगा, उसको कोल तार, आज हम जो सड़कों बनाने में जो डाबर यूज़ करते हैं, जो इसको तार बोला जाता है, उससे ही इसको वाटर प्रूफ किया गया था, जैसे कि कहीं और पानी ना आए, सिर्फ इसी में भरा रहे, और पानी जाता था इसमें, और इसके आसपास भी चारों तरफ कुएं थे, सब तरफ कुएं थे और कमरे बने हुए थे, ठीक है। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो आपको बेहतर समझ में आएगा, और उसमें एक सीन था जहाँ पे उतर के आती है लड़की इसमें, तो ये कुछ रस्मों के लिए यूज़ किया जाता होगा, और यहाँ पे पानी वानी डालने के लिए इसमें कुएं बने हुए थे और आसपास कमरे थे, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो मैंने बताया मोहनजोदड़ो में थी, तो रिजर्वायर की बात कर रहा था, सिर्फ इसीलिए आपको मोहनजोदड़ो को मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब आती है बनावली की बात, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेंगे टेराकोटा मॉडल ऑफ पिलो, आपको मिलेगा यहाँ पे एरा, हालांकि ये लकड़ी का है, लेकिन ये ऐसा ही टेराकोटा का भी मिला था यहाँ पे, ठीक है। मेरे को पिक्चर नहीं मिली थी तो मैंने ये बता दिया आपको कि इस तरह का था, ठीक है, मॉडल मिला था, क्योंकि उसके बाद ये चौलिस्तान एरिया में आता है, आपको मैं जगह दिखा दूँ, देखिए ढोलावीरा ये है, रुकोटोड़ा ये है, और बनावली ये रहा, राखीगढ़ी ये रहा, हड़प्पा ये रहा, मोहनजोदड़ो ये रहा, और चनूदारो ये रहा। अब चनूदारो मोहनजोदड़ो ये दोनों के दोनों एक ही नदी पे, इसका नाम है इंदस, हड़प्पा रवि नदी पे, राखीगढ़ी और बनावली अपने इंडिया में ही पड़ते हैं आज की तारीख में, जो कि आपके हरियाणा में, और ढोलावीरा सुरकोटोड़ा लोथल, ये तीनों के तीनों भी इंडिया में, तीनों क्या, हाँ ये तीनों के तीनों इंडिया में, और वो भी गुजरात में पड़ते हैं, ठीक। अब बात आती है, कन्फ्यूज़न हुआ था हमारे ASI हेड, जो कि ब्रिटिशर्स के ज़माने में तीन ASI हेड रहे थे, उन लोगों में कन्फ्यूज़न आता, कन्फ्यूज़न क्या, एलेक्स कनिंघम जो थे वो आए थे हमारे ब्रिटिश आर्मी से, और ASI के जब हेड बने तो उन्हें लगा कि जो इंडिया में, इंडिया का इतिहास है वो कभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि इंडिया का इतिहास कब से शुरू हुआ है, जब से ये हमारे जैन एंड बुद्ध आए थे, ठीक है, यानी कि लगभग 600 BC के आसपास। तो जब काम चल रहा था उसके बाद में उन्होंने कभी उस पर गौर किया नहीं, और काम चलता रहा, जब रेलवे के ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, रेलवे के ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, तो क्या हुआ कि कुछ ईंटें मिली हड़प्पा में, तो उनको, इनको तो बड़ा अच्छा लगा, ये जो वहाँ के लोग थे, कह रहे वाह बहुत अच्छी बात है कितनी मजबूत ईंटें मिली हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, उन ईंटों को, पकी हुई ईंटें थी, और उन्होंने क्या किया, उनको बिछा दिया पूरे के पूरे में, उन लोगों ने उनको बिछाते चले गए, और जाने कितने सारे इनके जो हमारी हड़प्पा की जो साइट थी उसमें कितने सारे जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको उन्होंने तबाह कर दिया था उस टाइम पे। अब बात आती है
कि ऐसा करते रहे, क्योंकि इनको तो अंदाजा ही नहीं था ना कि ऐसी कोई सभ्यता भी हो सकती है उस टाइम। लेकिन फिर आए 1924 में जॉन मार्शल। जब जॉन मार्शल आए इंडिया में तो जॉन मार्शल ने कहा देखो भाई ऐसा नहीं है। और तब तक क्या हुआ था कि हमारा जो हड़प्पा था, दयाराम सानी जी ने और जो बनर्जी जी थे उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कुछ सील्स ढूंढ के जॉन मार्शल जी को दे दी थी। तो तब से इन्हें यकीन हो गया कि नहीं, हमें जो चीज़ें मिली हैं वो एक नई सभ्यता है। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया जॉन मार्शल ने कि हमें एक पूरी नई सभ्यता मिल चुकी है 1924 में। ये एनसीईआरटी में दे रखा है 12th के फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। और इसके बाद में अच्छा इनने भी ये गलती की थी, जैसे कि मान लीजिए एक टीला होता है, अब टीले पर अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस वाली जगह को इक्वली खोदा और यहाँ पे वो चीज़ मिली थी, यहाँ पे वो चीज़ मिली थी, यहाँ पे वो चीज़ मिली थी, तीनों की तीनों चीज़ को एक ही एरा का बता दिया। जबकि ऐसा नहीं है ना, देखो ये अलग एरा की रही होगी, ये अलग एरा की, ये अलग एरा की, ये रही होगी, इसके बाद मिट्टी अमी हुई फिर ये आया, फिर इसके बाद मिट्टी अमी हुई फिर ये आया। तो इन्होंने तीनों की तीनों को एक ही जगह बता दिया। लेकिन इस बाद में व्हीलर आए 1944 में, तो उन व्हीलर ने ये कन्फ्यूज़न ख़त्म किया, ठीक है, कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। और उनकी बात एकदम सही थी व्हीलर की, क्योंकि इन्होंने किया था सब कुछ मिक्स कर दिया था कि गांव की चीज़ें क्या हैं और तब हड़प्पा की चीज़ें, पुराने हड़प्पा की, लेटर हड़प्पा की क्या है। ये जो इधर है इसको बोलते हैं हम अड्डी हड़प्पा, बीच वाले बोलते हैं हड़प्पन, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेटर हड़प्पा, ठीक है, सबसे ऊपर जो होते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब इतनी अच्छी सभ्यता थी, लेकिन इसका एक एंड बड़ा मिस्टीरियस था। मिस्टीरियस क्यों कहते हैं हम, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा जब हमने एग्जीक्यूशन की तो मॉडर्न होता है वैसे इंसान, समय के साथ में इंसान मॉडर्न होना चाहिए। लेकिन हमें जो एग्जीक्यूशन सुनी जो 1800 से 1800 तक जो इंसान मान लीजिए आपका वो कर रहा था कि बहुत अच्छे से रह रहा था, इतने ज़्यादा रॉयल उसका खाना पीना था, इतनी सारी चीज़ें उसको आती थी, शिप का यूज़ कर रहा था, हर एक चीज़ थी उसके पास में मॉडर्निटी की, इतना अच्छा उसके पास विज्ञान था, इतने अच्छे घर बनाए थे उसने। लेकिन इसके बाद में खेलता है वो फिर से झोपड़ी में रह रहा था या फिर हंटिंग कर रहा था या फिर ऐसी जंगलों में घूम रहा था। इसके बाद के एविडेंसेस थे जो 300 साल में 1800 से 18 से और जो 15 तक की अगर मैं बात करूँ, जो 15 तक की बात करूँ बीसीई में 1800 से 1500 बीसीई में, तब तक का जो समय हमारा वो एकदम ऐसा ही रहा है कि जैसे जो अर्ली ह्यूमंस का रहा था, जैसा समय अर्ली ह्यूमंस का रहा था वैसा ही समय आपको अब देखने को मिला था इन 300 सालों में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस का, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ही नहीं हुआ ना। अब बात आती है द लाइफ सेस टू बी बैक्ड मैनी ईयर्स हो, बहुत साल जैसे मैं जैसे बताया आपको, आप फिर से वहीं पहुँचे जहाँ से आप शुरू हुए थे, तो आप फिर से वही हंटिंग वगैरह उसी पर आ चुके हो, ठीक है। इन 300 साल में मतलब कोई एविडेंस ही नहीं कि आप थोड़ा सा भी आगे बढ़े, बल्कि आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए, ठीक है। इट्स मिस्टीरियस येट अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज इट मे बी ड्यू टू द फ्लड और ड्रॉट टेकिंग ऑफ पावर्स ऑफ प्रेस्ट किंग। देखो बहुत सी थ्योरीज कहती हैं कि ये क्यों हुआ हुआ क्यों हुआ हुआ, लेकिन इसमें देखिए पहले बता दूँ आपको थ्योरीज। एक कहती है कि मान लीजिए यहाँ पर नदियाँ थी, तो नदियों में क्या हुआ कि पानी आ गया, सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, सब डुबा दिया उन्होंने, ठीक है। एक कहती है कि मान लीजिए यहाँ पर सूखा पड़ गया, सूखे की वजह से भी सब कुछ खत्म हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा हो तो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखिए ये जो नदियाँ हैं, और मैं क्या जो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं हिस्ट्री के वो यही कहते हैं कि ये जो नदियाँ हैं ये सिर्फ इतने हिस्से को ही तो अफेक्ट करेंगी, ये यहाँ तक थोड़ी अफेक्ट करती हैं, ये तो श्रोतोगाई तक था, ये तो यहाँ तक था, ठीक है। लेकिन ये इतने सारे हिस्से को ही क्यों कर सकती हैं, मान लीजिए लोथल के साइड तो आपको कुछ मिलता, ठीक है, कहीं तो यहाँ पर तो कुछ मिलता, यहाँ तो मिलता, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, क्या एकदम से इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया कि सारी सभ्यता ही एक दिन में ख़त्म हो गई। आपको कुछ ऐसे मोहनजोदड़ो में ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे कुछ आपको फॉसिल्स मिले हैं, अब बताइए ऐसे फॉसिल्स आपको कैसे मिल सकते हैं आपको एक ही जगह पर, और जाने कितने सारे ऐसे ही फॉसिल्स दबे होंगे आज भी इसके अंदर, अर्थ के अंदर, जो कि हमें मिले नहीं है, या फिर बहुत से हो सकता है वो ख़त्म भी हो गए हैं या कुछ और बन गए हैं, कोयला वगैरह बन गए हैं, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है कि बट कांट बी सेड। अच्छा एक और इसमें कही जाती थ्योरी कि ये जो प्रीस्ट किंग था, मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में मिली थी इसकी मूर्ति, और हो सकता है ये जो प्रीस्ट किंग था इसकी पावर्स ले ली हैं लोगों ने। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर वेट्स यूज़ किए जाते थे चर्ट के स्टोन के, तो वेट कितने होंगे कैसे होंगे ये सब डिसाइड एक इंसान करता था, मतलब कोई ना कोई उसको डिसाइड करता था, प्लान कैसे होंगे यार उसको भी कोई ना कोई डिसाइड करता था। ईंटों का साइज सभी का एक है, सभी ईंटों का साइज एक है, यानी उसको भी कोई ना कोई डिसाइड करता था कहाँ से क्या होगा, उन चीज़ों को डिसाइड किया जाता था। तो हो सकता है कि ये जो प्रेस्ट किंग था ये सभी चीज़ों को डिसाइड करता हो, एज पर हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रेस्ट किंग था ये सभी चीज़ों को डिसाइड करता हो, लेकिन समय के साथ में क्या हुआ कि मान लीजिए इसकी पावर्स ले ली गई। अब ये जो इंसान सब कुछ डिसाइड कर रहा था, सब कुछ बता रहा था कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना, मान लो कोई फिल्म है, फिल्म का कोई डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर खत्म हो जाए, ठीक है, किसी देश का कोई प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री खत्म हो जाए और देश में अफरा तफरी मच जाए, तो फिर क्या होगा, लोग मारकाट करेंगे, और मारकाट होने के बाद में हो सकता है कि फिर ऐसा सीन हो, ठीक है, कि लोग आपस में लड़े हों फिर सभी के सभी उनके, और हो सकता है
ऐसा हुआ हो, पावर्स ऑफ द प्रेस्टिंग ले ली होंगी या फिर हो सकता है खत्म हो गया हो, इसकी भी एक थ्योरी है। तो ऐसे तीन चार थ्योरीज हैं जिसकी वजह से कहा जाता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन कन्फर्म कोई भी नहीं है, नो वन इज कन्फर्म, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उससे कन्फर्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद में कोई एग्जर्वेशन नहीं मिला हमें 300 साल तक के भाई मॉडर्नाइजेशन हुआ हो वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ों का, जैसे कोई हुआ हो कि मौर्यास आए थे उसके बाद में सीधे, और उससे पहले कुछ जैसे राजा छोटे मोटे रहे थे बस। ठीक है, और छोटे मोटे राजा रहे थे और 300 सालों में तो कुछ ही नहीं हुआ था, इन 300 साल में कुछ नहीं हुआ था। अब बात आती है, लाइफ वॉज फ्लरिस्ड अराउंड गंगा अफ्राइट कॉल्ड वैदिक पीरियड, इसका मतलब वैदिक पीरियड आएगा, ऋग्वेदिक पीरियड आया था 1500 में, मैंने वही बताया 2800 से 1500 तक कुछ नहीं मिला, उसके बाद सीधे 1500 मिलता है जब उसको हम क्या बोलते हैं वैदिक पीरियड। ठीक है, वहाँ पे छोटे मोटे राजा होना शुरू हो गए थे। ठीक है, अब वो किस तरह से हुए थे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आप मेरा एक काम करें, आपने पूरी वीडियो देखी उसके लिए तो थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आप मेरा एक काम करें, आप मेरे इस जो वीडियो है इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप मेरे मोटिवेट करेंगे तो ही मेरी ऐसी हिम्मत होगी मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। अगली बारी मैं आपको बताऊँगा वैदिक बताऊँगा, ऋग्वेदिक बताऊँगा, उसके बाद लेटर वैदिक बताऊँगा और मॉडर्न तक मैं आपका पूरा पार्ट खत्म कर दूँगा। ठीक है, उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म भी अगली बारी में ही आएगा। ठीक है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म वैदिक लेटर वैदिक सब कुछ मैं उसमें खत्म कर दूँगा, और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा उसमें आपकी एंशियंट हिस्ट्री खत्म होगी, यानी आप पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 में आपकी पूरी पूरी एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर दूँगा। ठीक है, अब ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लगे रहो भाई।